वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजरली से निकलकर हम अपनी अगली डेस्टिनेशन हरिहरेश्वर जा रहे हैं जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, मुंबई से और पुणे से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मानगांव है, वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हम फेरी बोट में आ गए हैं, अपना कार यहाँ पे पार्क कर दिया और उसके कुछ चार्जेस लाइक वन कार विद फैमिली इट वाज सम अराउंड 180 रुपीस। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे हमको उस तरफ जाना है, लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा। अंजनी से हरिहरेश्वर के बीच में ये एक नदी सावित्री नदी पड़ती है जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करती है। अगर आप ये जट्टी या फेरी बोट से नहीं जाते हैं तो फिर आपको लगभग 2 से 3 घंटे और ड्राइव करके जाना पड़ता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है जहाँ से हम इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। फेरी बोट में सफ़र करने का हमारा एक अलग ही एक्सपीरियंस था और हमने इसको एंजॉय किया। फेरी बोट से निकलने के बाद हमको लगी थी भूख और हमने बीच रास्ते में ही एक जगह रुक के यहाँ पे लंच किया और फिर हम मंदिर के आगे बढ़े। वी रीच्ड हरिहरेश्वर एंड यहाँ पे पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है और उसके कुछ चार्जेस है 50 रुपीज़ पर कार। यहाँ पे पार्क करने के बाद हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मंदिर के जो रास्ता जाता है उसके दोनों तरफ कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। हर हर महादेव। तीर्थ क्षेत्र होने के अलावा यह कोंकण का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां आप पेशवाकालीन मंदिर, ब्यूटीफुल कोस्टलाइन, यूनिक रॉक फॉर्मेशन एंड बीच का आनंद एक साथ ले सकते हैं। घूमने के लिए बेस्ट सीजन है अक्टूबर से फरवरी। हरिहरेश्वर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अध्यात्म के लिए भी जाना जाता है। हम अभी मंदिर प्रांगण में हैं और इस स्थान का महत्व सतयुग से है। ऐसा कहा जाता है कि अगस्त मुनि जी ने यहाँ तपस्या की थी और यह उनकी तपस्या स्थली भी थी। यहाँ महाभारत के दौरान पांडव भी आए थे और उन्होंने अपने पिताजी का यहाँ पे श्राद्ध और पिंडदान किया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरिहरेश्वर पेशवा के कुल देवता हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में तत्कालीन पेशवा ने किया था। इस प्रांगण में दो मेन मंदिर हैं, हरिहरेश्वर और काल भैरव। सबसे पहले आपको काल भैरव के दर्शन करना होता है, उसके बाद हरिहरेश्वर और फिर से काल भैरव का दर्शन करने के बाद दर्शन पूर्ण माना जाता है, ऐसी मान्यता है। काल भैरव मंदिर में यह काल भैरव और माँ योगेश्वरी की दिव्य प्रतिमाएं हैं। काल भैरव भगवान शिव के उग्र अवतार हैं जो हर रोज दोपहर में इनको चंदन का लेप लगाकर उनको शांत किया जाता है, ऐसी पद्धति है। दर्शन के बाद इस द्वार से बाहर निकलकर हरिहरेश्वर मंदिर में प्रवेश करना होता है। हरिहरेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं तरफ गणपति की सुंदर मूर्ति के दर्शन के साथ लाइन में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। यह मंदिर का बेसिकली गर्भगृह है जहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मां पार्वती पिंड रूप में विराजमान हैं और यह स्वयंभू हैं। हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी और काशी ऑफ साउथ भी कहा जाता है। सबसे पहले काल भैरव का ही दर्शन क्यों करना होता है, इसके पीछे एक कहानी है और वो ऐसा है कि एक दैत्य सष्टघ्न था जिसका वध करने के लिए भगवान शिव ने
काल भैरव के उग्र रूप में अवतार लिया था और ये वध करने के बाद भगवान शिव ने काल भैरव के इस अवतार को वरदान दिया था कि उनसे भी पहले काल भैरव की प्रथम पूजा होगी, उसके बाद शिव की। और ये प्रथा का पालन प्राचीन काल से इस मंदिर में होता आया है। यह मंदिर का आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड पार्ट है, जहां से आप बीच के नज़ारे देख सकते हैं। यहां सबको पूरा का पूरा बीच दिखेगा और यहां से जा भी सकते हैं वहां पे। हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ और दर्शन के बाद हम प्रदक्षिणा के लिए जाएंगे। और यह बिल्कुल अलग तरह का है, लाइक आपको हिल पे जाकर सी के पास से होकर वापस आना होता है। इस प्रदक्षिणा को कुछ इस तरह विजुअल से हम समझने का कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आप देख रहे हैं दो पॉइंट है, येलो एंड रेड। येलो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम अभी हैं, और वहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, पहाड़ पे जाएंगे। वहाँ से फिर हम नीचे शुक्ल तीर्थ में जाएंगे, फिर वहाँ से जाते हुए सनसेट पॉइंट, हरिहरेश्वर व्यू पॉइंट को कवर करते हुए वापस हम रेड पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से एक प्रदक्षिणा कम्प्लीट होती है और इसको 30 से 40 मिनट का समय लगता है। इस प्रदक्षिणा को मिस बिल्कुल न करें और यह आपको एक अलग तरह का अनुभव मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी पूजा भी और दर्शन भी संपूर्ण होगा। चलिए अब हम प्रदक्षिणा शुरू करते हैं और मंदिर का यह बाएं साइड से जो रास्ता जा रहा है उससे हम प्रदक्षिणा मार्ग की तरफ जाएंगे। प्रदक्षिणा का जो मार्ग है बेसिकली सीमेंट या कंक्रीट के स्टेप्स हैं जो आप इजीली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस रास्ते के दोनों तरफ काफी ग्रीनरी है। यहां से हरिहरेश्वर बीच का यह ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। हम अभी टॉप पर आ गए हैं और इसको गणेश गली बोलते हैं। और यहाँ राइट साइड में जो पर्वत आपको दिख रहा है वो ब्रह्मगिरी, और जो लेफ्ट में है वो विष्णुगिरी पर्वत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। दो हिल्स के बीच में एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है और सामने आपको अरेबियन सी दिख रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग। हम आ गए हैं नीचे समुद्र की तरफ और ये ब्यूटीफुल व्यू आप एंजॉय करिए। अभी जो सी का वाटर लेवल है वो काफी नीचे है तो आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हाई टाइड के समय आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। समंदर से चलते हुए ये ठंडी ठंडी हवा और इन चट्टानों पर टकराते हुए ये समुद्र की लहरें, क्या खूब ताजगी महसूस हो रही थी।
इन बड़ी चट्टानों के अंदर बहुत सारे केव्स हैं और तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पूजा भी होती है। आप देख रहे हैं कि ये रॉक फॉर्मेशन कम्प्लीटली नेचुरल है और सालों से बना हुआ है। जब हाई टाइड के समय सी का वाटर लेवल बढ़ता है और समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें इन चट्टानों से टकराती हैं, तो इस तरह का ये नेचुरल फॉर्मेशन बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये विष्णु पद है और ऐसे बहुत सारे चिन्ह और मार्क आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे पूजा भी करते हैं लोग। यहाँ पर आपको बहुत सारे चट्टानों में शीशल्स देख सकते हैं जो कुछ इस तरह दिखते हैं और ये नेचुरल फॉर्म में है। यह एक यूनिक रॉक फॉर्मेशन दिख रहा है जो आपको बी हाइव की तरह दिख रहा होगा। जब वाटर का लेवल बढ़ता है और यह रॉक पूरी तरह से डूब जाते हैं। आप जब भी प्रदक्षिणा के लिए आ रहे हैं लोकल गाइड से पूछकर ही आए। हमारी प्रदक्षिणा का ये एंड पॉइंट आ रहा है और ये हरिहरेश्वर का ब्यूटीफुल बीच। प्रदक्षिणा मार्ग के लास्ट में यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ आप लस्सी, बटर मिल्क, नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं फॉर सम टाइम। हमारे लिए मंदिर के बगल से होता हुआ यह प्रदक्षिणा मार्ग खास अट्रैक्शन बन गया था। हमारी प्रदक्षिणा अभी पूरी हुई और हम जा रहे हैं पार्किंग साइड में। हर हर महादेव। ऐसे ही खूबसूरत डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिव्यागर बीच।